दस्तक अभियान के तहत स्वच्छता की हकीकत क्या है, आइए आज हम आपको अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। जलकल विभाग के ज्यादातर हैंडपंपों की ये हालत हो गई है कि उनके ही हलक सूख गए हैं, जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत है और जिन हैंडपंपों में पानी आ रहा है वो पीने के लायक भी नहीं है। ये हाल सिर्फ सड़कों की ही है, अभी गली मोहल्लों की बात तो दूर की है। शहर में अगर आपको प्यास लगे तो सरकारी हैंडपंप पर अगर आप ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे और शायद ही आपकी प्यास बुझ सके। गोरखपुर न्यूज ने अपने पड़ताल में सरकारी हैंडपंपों का जायजा लिया तो पता चला कि ज्यादातर हैंडपंप में पानी है ही नहीं और वो महीनों और सालों से खराब पड़े हैं। बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं। अभी गर्मी की शुरुआत है। गोरखपुर न्यूज से हैंडपंपों के हालात के बारे में बात करते हुए महानगरवासी और महाप्रबंधक जलकल विभाग के प्रमोद कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चलाएगा तो आएगा, लेकिन यही है थोड़ा गंदा आता है इसलिए कोई चलाता नहीं है। अभी ये पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ चलाएंगे, आएगा पानी। पीने लायक पानी होता है ना? पीने लायक पानी फिलहाल तो नहीं आ रहा, पिछले डेढ़ दो महीने से बंद चल रहा है। और पानी आता भी है तो इसे पीले पीले पानी आते हैं, पीने लायक नहीं आते। एक बार दो बार शिकायत भी किया गया है और इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना ही इसे पानी आ रहा है और आता भी है तो जब पीना पानी आता है पीने लायक। खराब है दो साल से खराब है। दो तीन टाइम मिस्त्री आए खराब बना के भी खोल के देख के चले जाते हैं, बनता नहीं, इसका पूरा पाइप खराब है। किसी से शिकायत उगत हुआ? तीन चार मरतबा शिकायत हो चुका है, चार पाँच मरतबा शिकायत हो चुका। लोग आए खोल के जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर बनाते नहीं, चले जाते हैं। जगह कौन सा है? ये हजारीपुर है। पानी तीन चार साल से ये खराब पड़ा हुआ है, गीला पानी आता था पहले, आज तो कोई देखने वाला है नहीं, नया लगने बना है। कितने सभासद, कई सभासद लोग का है कि मनु जी अखबार से भी वो भी नहीं इसका ध्यान, इस रोड पे कहीं नहीं है हैंड पाइप, बस यही एक हैंड पाइप का पानी पिला रहा है। कौन सा जगह है ये? स्टेट बैंक, बस भारतीय स्टेट बैंक के बगल में है। बहुत सुधार नहीं है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है और भीषण गर्मी में पानी की जो बारी व्यवस्था से मिलने का स्रोत था वो दिखाई नहीं दे रहा है आपके सामने। इनके मेंटेनेंस के लिए कोई धन नहीं है, न कोई योजना है, ऐसे जहाँ गड़ गए हैं वही ऐसे पड़ा हुआ है। कोई रिपेयरिंग का भी कोई चार्ज नहीं है कि कोई अच्छी मार करके रिपेयरिंग करें। हाँ जी, स्टेट बैंक के सामने है, बैंक रोड गोलघर गोरखपुर। पानी आता है? ये महिला अस्पताल है सदर का। अजीत कुमार, अजीत कहाँ है यहाँ पे? महिला जिला अस्पताल पर है गोरखपुर। ये दोनों दो हैंडपाइप है सरकारी है, ये भी नहीं चल रहा है। Thank you.
है और 4-5 महीने से ये ख़राब पड़ा है, तो इस पर ध्यान नहीं देता है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। वीरेंद्र जी, ये हैंडपाइप है यहाँ पे? हाँ? नगर निगम परिसर में है? हाँ, नगर निगम परिसर में ही है। क्या हाल है इसका? खराब है। कितने दिनों से? कई साल से खराब चल रहा है, कई बार बन चुका, कई बार खराब हुआ, जब जब बना तब तक खराब हुआ, चालू नहीं हुआ। वजह क्या है? अब वजह मिट्टी का लेवल, पानी का लेवल नीचे चला गया है, क्या है कैसे बता दें। शहर में 4147 इंडिया मार्क 2 हैंडपम्प लगे हुए हैं, उसमें माननीय पार्षदों से अनुरोध किया गया था कि अपने क्षेत्र के 5-5 हैंडपम्प की सूची वो उपलब्ध करवा दें, तो इस प्रकार से 360 रिगोर योग्य हैंडपम्पों की सूची उत्तर प्रदेश जल निगम को भेज दी गई है। उन्हें कुछ धनराशि जिला योजना में प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत वो उसके रिगोरिंग का कार्य करेंगे। सर, बहुत से ऐसे हैंडपम्प हैं जो सर पानी नहीं देते हैं, अच्छा पीने योग्य पानी नहीं है सर उसमें। एक्चुअली में गोरखपुर के अंतर्गत जो है शहर में कुछ आयरन की मात्रा जो है थोड़ी सी हैंडपम्पों में ज़्यादा है, परंतु आयरन जो है वो पीने योग्य है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देता है, आयरन बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा नहीं है।